सांप को लेकर कई लोक कहानियां और फिल्में तो आपने देखी और सुनी होगी कि नागिन अपने साथी की मौत का बदला लेती है, लेकिन सिर्फ ये किस्सा या कहानी नहीं है बल्कि ये सच्चाई है जिसका शिकार बना हिमाचल के ज्वाली में रहने वाला मृतक साहिल। जी हाँ, 22 साल के साहिल के घर में देर रात को दो विशाल जहरीले सांप निकले, जिसको देखकर युवक साहिल डर गया और उसने डर के कारण एक सांप को मार दिया, जबकि दूसरा सांप भागकर कहीं छुप गया और अपने साथी सांप की मौत और उसके हत्यारे को देखा, जिसके बाद साहिल जैसे ही सोने के लिए गया तो छिपे हुए सांप ने उसे डस लिया और वापस घर में ही कहीं छिप गया। साहिल ने शोर मचाया, लेकिन सांप के जहर के कारण साहिल की तबीयत बिगड़ने लगी और अस्पताल ले जाने से पहले ही तड़प तड़प कर साहिल की मौत हो गई। मृतक साहिल कुमार के अंतिम संस्कार करने के बाद भी सांप घर के अंदर ही छुपा रहा। परिजनों ने सांप को पकड़ने के लिए सपेरों को बुलाया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद सांप को घर के अंदर से पकड़ा गया। अगर इस सांप को पकड़ा ना जाता तो हो सकता था कि ये परिवार के और भी लोगों को डस लेता।